एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार, दोनों शहरों की तमाम हलचल पर रखे बिल्कुल नजदीकी नजर। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक्टिव न्यूज में आपका खैर मकदम है। एंटी करप्शन कमेटी रियासत तेलंगाना का सालाना इजलास शुजात फंक्शन हॉल आजमपुर मलकपेट में मुनाकिद हुआ, जिसकी सदारत श्री रविंद्र देवंदी सदर और फाउंडर एंटी करप्शन कमेटी ने की और मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कितने गरीबों को हम लोग सर्विस देंगे, हमने जो सेंट्रल में हमने पूरा विजिट किया ऑल इंडिया में, किसी को नौकरी नहीं मिली, 20% भी किसी को नौकरी नहीं मिली है। अब ये मुद्दा हमारा रहेगा चुनाव में, हम पूरे इंडिया के कोने में हमारी 5 जीपें पूरे इंडिया में घूमेंगी, तेलंगाना भी आएंगी, और मैं उसके बारे में चुनाव में किसी समर्थन नहीं देता हूँ, किसी पर समर्थन नहीं देता हूँ। और मैं पूरे इंडिया में कितना वर्क हुआ, कितने सांसदों ने काम किया, क्या पार्टियों ने काम किया, मैं इसका डिटेल जनता के सामने रखूंगा। इसलिए हमने महाराष्ट्र में हमने समीक्षा किया और कंट्रोल मैसेज दिया कि रविंद्र द्विवेदी एंटी करप्शन कमेटी नेशनल प्रेसिडेंट ये सरकार के कामों की समीक्षा कर रहे हैं, तो मैं सरकार के कामों की समीक्षा रिपोर्ट भी दे दिया उनको, तो मैं तेलंगाना में भी आऊँगा और यहाँ पर इलेक्शन के टाइम में मैं बैनर लगा के घूमूंगा, देखता हूँ मुझे पुलिस रोकती है या कौन रोकता है। और मैं इनके पूरे कारनामे, अच्छा वर्क किया तो अच्छा बोलूंगा, क्राइम किए क्राइम करूंगा, करप्शन किया करप्शन बारे बोलूंगा। ये हमारा इलेक्शन में टाइम रहे। क्या चुनाव पार्टी जो है ये एनजीओ है, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी पार्टी से अलायंस नहीं। और बॉर्डर पे जान देने वाला हर एक हिंदुस्तानी हमारा भाई है और उससे हमको उतनी ही गवर्नमेंट के लिए अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं मिराज खान, एंटी करप्शन कमेटी तेलंगाना प्रेसिडेंट हूँ। आज हमारा 23rd का प्रोग्राम है। आज सबसे पहले हमारी रैली थी जो कि दिसंबर में हम लोग कमिश्नर साहब को लेटर भेजे थे, तो मुझे कल बुलाकर साहब ने रिजेक्ट कर दिया, हमारा फाइल को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो उसके बाद हमने ये प्रोग्राम कंडक्ट किए हैं, बस अवेयरनेस प्रोग्राम है, ये सभी के लिए है, ये आम इंसान के लिए है। और दूसरी बात है कि इसको गलत अंदाज से नहीं लेना है, करप्शन मीन्स हर वो एक्टिविटी हमारे सभी मेंबर्स में है कि आम इंसान को किस तरह से रहना, और गवर्नमेंट के तकरीबन चीज़ें आम इंसान को नहीं मालूम है, तो हम वो चीज़ को फैलाते हैं, हमारा काम है कि गवर्नमेंट से इस्तीफ़ादा कैसे करना है। आम जनता कहाँ कहाँ तक इस्तीफ़ादा उठा रही आप खुद देखिएगा, कई चीज़ें आप पूछिएगा नहीं मालूम बोलते। अब जब वोट का ज़माना आया है, वोटिंग हो रही है, तो वोटर लिस्ट याद आ रही है, वोटर कार्ड याद आ रहा है, तो आम दिनों में राशन कार्ड वोटर कार्ड की कोई वो नहीं थी क्या? 4 साल से वोटर आईडी के लिए कोई पूछा अपने को? नहीं पूछा। राशन कार्ड के लिए पूछा? नहीं पूछा। क्योंकि अब क्यों, आधार कार्ड की ज़रूरत है उनको, वोटर आईडी की ज़रूरत है, और उनको हर वो चीज़ हमारी आईडी की ज़रूरत है ताकि उनकी वोट बैंक बन सके। तो ये हमारे को, वो जब हम उनको इस्तीफ़ादा दे रहे हैं तो अपना उनका भी काम है हमारे को इस्तीफ़ादा करें। तो मैंने गवर्नमेंट से जितने भी स्कीम्स आ रहे हैं उससे हमारी आम जनता इस्तीफ़ादा उतना नहीं उठा रही है जितना उठाना चाहिए। पता नहीं कौन उठा रहे हैं, हम तो नहीं जानते। वो शुरू भी होती ख़त्म भी हो जाती है, हम तक पहुँचे तक जाने पर मालूम पड़ता अभी क्यों आए मैडम, तो शुरू कब हुई हमें इत्तला नहीं मिलती है। और दूसरी चीज़, हम लोग ये चीज़ को फैलाना चाह रहे हैं कि हमारा आम इंसान हर ये चीज़ से आगाह हो, और रही बात उनको नहीं है तो हम गाइड करेंगे, हमारा काम सिर्फ गाइड करना है। अब हेड ऑफिस खोले हैं इसलिए तेलंगाना में, ताकि हमारे आम इंसान, देखिए मिडिल क्लास में ही ज़्यादा हैं,
कौन हाई फाई लोग अपने पास आके लाइन मीटर के वोट कोई नहीं डालता, आम इंसान ही वोट डालता है लाइन मीटर के, और सफ़र भी आम इंसान ही होता है। तो हम उनको इस्तेफादा दे रहे हैं कि देखो भाई तुमको गवर्नमेंट को वोट डाले हैं तो उनसे जीवन में क्या चाहते हैं, तो वो चीज़ के लिए हम लोग गाइड कर रहे हैं। और रही बात हमारे आम इंसान से, यही है कि हम लोग से ऐसा नहीं है कि हमसे मिले हमसे ज्वाइन हो जाए, नहीं, अगर कोई चीज़ मालूमात नहीं है तो हमसे बराबर रुझू हों मिल सकते हैं। और रही बात हम लोग वेबसाइट भी है हमारी, और हर एक का हम लोग का नंबर आप लोगों को मिल रहा है, और हम लोग हर एक हमारा कैंडिडेट 24 घंटे में से 4 घंटे आवाम के लिए देता है। ये हमारे इंस्ट्रक्शन है कि बस सारी अपनी मसरूफियत के बाद 4 घंटे हमारी सोसाइटी को देना है। हमारी कमेटी में जो जब भी कोई अनदर पर्सन का केस हमको आता है तो हमें हैंडल करना पड़ता है, तो क्यों, तो हम ये नहीं सोचते कि ये केस हमारा नहीं है, ये एक नागरिक का है, एक आम इंसान का है, आम जनता का है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप वोट के लिए आप इस तरह से वोटर आई डी मत बनाइएगा, पर मिलेगा 9652421097, ठीक है, शुक्रिया। रिश्ते तय होते हैं आसमानों पर और तलाश किए जाते हैं जमीन पर। आपकी तलाश को मंजिल तक पहुंचाए गोल्डन रिश्ते, मिलाए रिश्ते नसीब के, शानदार आगाज हो चुका है गोल्डन रिश्ते, जहां आपके लड़के और लड़कियों के लिए इनकी काबिलियत और सलाहियत के मुताबिक रिश्ते दिखाए जाते हैं। आला तालीम याफ्ता NRIs, MBBS डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, गवर्नमेंट सर्वेंट, गल्फ या बैरूनी मुल्क के बेहतरीन व मियारी रिश्ते, अक्दे उला, अक्दे सानी और लेट मैरिज के प्रपोजल्स इंतहाई कम वक्त में तय किए जाते हैं। आज ही अपना नाम रजिस्टर करवाएं, हमारा गूगल ऐप डाउनलोड कीजिए या यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमसे कनेक्ट रहिए, हर नए रिश्ते के ताल्लुक से आपको अपडेट किया जाएगा। गोल्डन रिश्ते, मिलाए रिश्ते नसीब के, सेकेंड फ्लोर इम्तियाज प्लाजा, रूबरू गौतम मॉडल स्कूल, नई रोड, शालीमंडा।